टू टाइम फॉर्मर WWE चैंपियन करने वाले हैं अपना रिटर्न और WrestleMania 38 की नाइट वन का मेन इवेंट हो चुका है कंफर्म। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं रानिश वर्ल्ड 7AA स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा टू टाइम फॉर्मर WWE चैंपियन के बारे में जो कि अपना रिटर्न करेंगे और फेस करेंगे ओमस को इस साल WrestleMania 38 के अंदर। और ये फॉर्मर टू टाइम WWE चैंपियन कोई और नहीं बल्कि बॉबी लैशली हैं। बॉबी लैशली अभी काफ़ी टाइम से WWE के टेलीविजन पर नहीं आ रहे थे इंजरी की वजह से। लास्ट टाइम हमने जब WWE के अंदर बॉबी लैशली को देखा था वो था सऊदी अरब में होने वाला पे पर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, जहां बॉबी लैशली अपनी WWE चैम्पियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन उस मैच के दौरान एक एंगल ऐसा दिखाया गया था जहाँ सेथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थ्योरी को फेंका था केज के ऊपर और वो केज टूट के शीशा से जो भी था वो बॉबी लैशली को लगा था, जिसके बाद से उनका एक इंजरी का एंगल दिखाया था। हालांकि इंजरी उनको शोल्डर में थी, वो इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन उस इंजरी से रिकवर करने के लिए बॉबी लैशली को ये गैप दिया गया था। और उस वक्त रूमर्स बहुत ज़्यादा ही आ रहे थे कि बॉबी लैशली जो हैं उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो मुसलसल 6 से 7 महीने के लिए WWE के टेलीविजन से ऑफ हो सकते हैं और इस साल की WrestleMania जो है वो मिस कर जाएंगे। लेकिन अब जो रूमर्स आ रहे हैं उनके मुताबिक बॉबी लैशली जो है वो अब फिट हो चुके हैं और इस साल WrestleMania के अंदर कम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट ओमस। ये चीज़ देखना बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि जब अगर ये मैच होता है ओमस और बॉबी लैशली के दरमियान तो WWE किसे अपर हैंड दिखाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ओमस को WWE रॉक एपिसोड्स के ऊपर बुक कर रही है एकदम डोमिनेटिंग फैशन में, और अगर हम बॉबी लैशली की बात करें तो इंजरी से पहले भी वो WWE चैम्पियन थे, अपनी चैम्पियनशिप को एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर डिफेंड करते हुए वो इंजर हुए थे। तो ये चीज़ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये मैच WrestleMania में इस साल होता है तो WWE किस सुपरस्टार को इन दोनों में से अपर हैंड देगी। पर अब हम बात करेंगे WrestleMania 38 के नाइट वन के मेन इवेंट के बारे में, और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि इस साल WrestleMania की नाइट वन को मेन इवेंट जो शो करेगा वो होगा KO शो, जो कि हमें एक सेगमेंट देखने को मिलेगा केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के दरमियान। इससे पहले ये रूमर, जब तक ये सेगमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ था, इससे पहले ये रूमर ज़्यादा आ रहे थे कि शार्लेट फ्लेयर और रोंडा रॉज़ी के दरमियान जो मैच है वो भी WrestleMania की नाइट वन को मेन इवेंट कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से जब से ये सेगमेंट केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कन्फर्म हुआ है, इसके बाद से जिस तरीके से WWE स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती थी जो कि नाइट वन को मेन इवेंट करे, क्योंकि नाइट टू के लिए तो हमें ऑलरेडी एक बड़ा मैच मिला हुआ है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का। कहने को तो ये एक शो की तरह, मतलब जहाँ जिस तरह केविन ओवंस अपना शो करते हैं और वहाँ पे गेस्ट को बुलाते हैं, इस तरह का इसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ है। लेकिन जिस तरीके से WWE इसकी स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़, ये शो जो है मेन इवेंट के अंदर हमें एक मैच के अंदर एक मैच के तौर पे कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, जहां स्टोन कोल्ड जो है वो 19 साल के बाद अपना पहला मैच रेसल करेंगे। और ना सिर्फ ये स्टोन कोल्ड की वास्किन के लिए बल्कि केविन ओवंस के करियर का भी सबसे बड़ा मोमेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से केविन ओवंस इस चीज़ के अंदर अपनी करेक्टर को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो केविन ओवंस का जो स्टॉक है इस मैच के बाद स्टोन कोल्ड की वास्किन के खिलाफ जो मैच होगा उसके बाद केविन ओवंस का स्टॉक भी जो है वो WWE के अंदर मजीद इंक्रीज हो सकता है। और अगर उसको उन कोल्ड की वास्किन को कहीं केविन ओवंस हरा देते हैं, जिस चीज़ के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का शॉक WWE पुल करती है तो फिर तो केविन ओवंस को भाई कोई नहीं रोकने वाला। बहरहाल दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट WrestleMania 38 के हवाले से। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।